मारने की क्या जरूरत थी? I'm sorry, I'm really sorry. वो एक मिनट, काहे का सॉरी? तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे आने की? वो तो प्यार में मैं थोड़ा थ्रिल लाने की कोशिश कर रहा था. मिल गया थ्रिल. एक तो सारा सामान गिरा दिया, ऊपर से आंखों पे हाथ रखना चाहिए था ना, मुंह पे कौन हाथ रखता है? अच्छा, पीछे से दिख रहा था क्या कि मैं कहाँ हाथ रख रहा हूँ? चलो अब सामान उठाओ. पागल लड़के. गुड मॉर्निंग. क्या देख रही हो? तुम्हें देख रही हूँ. क्यों, पहले कभी देखा नहीं? तुम रोज रोज इतने प्यारे नहीं लगते ना. पर तुम तो मुझे हमेशा प्यारी लगती हो. वो तो मैं हूँ ही प्यारी. देखो नौटंकी. जाओ ना, तुम ना जलते हो मेरी खूबसूरती से. क्या है, क्यों चिपक रहे हो इतना? क्या करूं, तुमसे दूर जाने का दिल ही नहीं कर रहा. अगर ऐसे ही चिपकते रहोगे तो मैं काम कैसे करूंगी? क्या कर रही हो? सब्जी काट रही हो. हटो, मैं काटता हूँ और देखो कैसे काटते हैं. प्रीत, हाथ कट गया मेरा. ये जो भी केचप तुमने लगाई है ना, ये खराब हो चुकी है. हमें ना नई लेके आनी पड़ेगी. हाँ भाई, क्या प्लान किया है? कुछ नहीं यार, बस बॉस से प्रमोशन की बात की है और ट्रांसफर की. ट्रांसफर की क्यों? बस ऐसे यार, मुझे ना इस शहर का माहौल ना कुछ ठीक नहीं लग रहा. क्या बात कर रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना? ले देख ले क्या ठीक है. सोमवार की सुबह शहर में दिन दहाड़े हत्या. मौके पे मौजूदा लोगों ने गवाही देने से इनकार किया. हाँ भाई, यही सब चल रहा है शहर में. दिन दहाड़े खून हो रहे हैं और जो लोग देखते हैं वो गवाही तक देने नहीं जाते हैं. अब क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो होता ही है. थोड़ा बहुत मोहित, हमारे लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सोच जिसकी जान गई है उसकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी. वो तो है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं यार. भाई बहुत कुछ कर सकते हैं, जिन्हें कुछ करना चाहिए था उन्होंने तो कुछ किया नहीं. मतलब कि भाई जिस टाइम मर्डर हुआ वहाँ पे जो लोग मौजूद थे कम से कम उन्हें जाके गवाही तो देनी चाहिए थी ना. गवाही देके वो लोग क्रिमिनल को सपोर्ट ही कर रहे हैं. अगर मैं उनकी जगह होता ना तो पक्का जाता गवाही देने. छोड़ना यार, तुझे तो पता ही है आजकल इन सब चक्रों में कोई नहीं फंसना चाहता. भाई जो भी हो, मुझे बस इतना पता है मैं ये शहर ना किसी क्रिमिनल की वजह से नहीं बल्कि ऐसे डरपोक लोगों की वजह से छोड़ रहा हूँ. चल यार, इतना नहीं सोचते, बहुत ज्यादा सोच रहा है तू. कितनी प्यारी जगह है ना, एकदम सुकून भरी. हाँ है तो सही, इस शहर में बस दो ही जगह अच्छी है, एक तो ये पार्क और हमारा घर और तुम. पागल.
बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं, डांस करूं तुम्हारे लिए? छी, तुम्हारा डांस देखने से अच्छा है ना कि मैं घर चली जाऊं। इतना बुरा भी नहीं करता मैं डांस। बहुत बुरा करते हो। कभी देखा है मेरे को डांस करते हुए? हाँ ना, एक बार देखा था, मुझे ना अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी उस टाइम। चुप रहो छोटी। सच्ची? अच्छा तुम ना अपनी आंखें बंद करो। क्यों? हम छुपन छुपाई खेलेंगे। या पार्क में? पागल हो गई हो क्या? रुस्तम चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। और अगर तुमने चीटिंग करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये तो सच में छुप गई। तुझे बोला था ना हमारे एरिया में मत दिखियो, फिर भी तू आ गया। लड़की इसे जा पकड़ के ला जल्दी। अप्पा रुस्तम, रुस्तम जल्दी चलो यहाँ से। अब ठीक हो? बताओगी क्या हुआ? रुस्तम वो पार्क में। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम रुको मैं देख के आता हूं, और डरना मत ठीक है। जी सर, क्या हुआ? बाहर पार्क के पास एक खून हुआ है, और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में आपकी वाइफ को देखा गया है, तो हमें उनसे कुछ बात करनी है। तो आप उसे पहचान लोगी जिसने खून किया है? गुड। तो ये वो कुछ लोग हैं, अगर वो इनमें से कोई है तो हमें प्लीज बताए। ये वो। थैंक यू हमें बताने के लिए, हम आपकी गवाही पे इसे अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन आपको यही गवाही कोर्ट में भी देनी होगी। ठीक है, मैं रेडी हूँ। रुस्तम? हम ठीक तो कर रहे हैं ना? हाँ प्रीत, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग बहुत खतरनाक है। तो क्या हुआ? जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है प्रीत, और हमें सच का साथ देना चाहिए। और तुम्हें याद है ना पुलिस वाले ने क्या कहा था? तुम्हारी एक गवाही से उसे उसके सारे पापों की सजा मिलेगी, और उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिसने उनको मारा है। और तुम डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सारा सामान ले लिया है ना? हाँ बाबा ले लिया है, 10 बार पूछ चुके हो। पूछना पड़ता है बीवी जी, वरना घर जाते ही बोलोगी ओ शिट रुस्तम ये तो लाना भूल ही गए। ओ शिट, वो लाना तो भूल ही गए। हाँ सेम ऐसी बोलती हो। अरे सच में भूल गए। क्या? धनिया। धनिया? हाँ जाओ जाकर लेकर आओ। रहने दे देना बेबी, ज्यादा दूर नहीं आए हैं, फटाफट जाओ लेकर आओ, मैं यही तुम्हारा वेट करती हूँ। ठीक है जा रहा हूँ, ये पकड़ो।
तुम ये फालतू के काम करना कब बंद करोगे? कौन है तुम लोग? तू गवाही देगी? अभी बताता हूँ, अब देखूंगा कैसे गवाही देगी तू। ओए, मेरी बीवी कहाँ है? अच्छा, तो वो तेरी बीवी थी। सुन मेरी बात, ये कट तेरे हाथ की जगह तेरी गर्दन पे भी लग सकता था और तेरी बीवी के गर्दन पे भी। रोक ले उसे गवाही देने से, वरना हम दोनों को तेरे घर का पता भी पता है, समझा? चल रहे। तुम गवाही नहीं दोगे? क्यों? वो लोग बहुत खतरनाक है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने देखा ना उन्होंने क्या किया, तुम पे अटैक किया और मुझ पे अटैक किया। रुस्तम, हमें यही अटैक तो रोकने हैं। तुम्हें याद नहीं तुमने कहा था कि किसी को शुरुआत करनी होगी, और मैं चाहती हूँ कि ये शुरुआत मुझसे हो। इससे बहुत खतरा है प्रीत, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस दो दिन, हमें दो दिन इनसे लड़ना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सुन, आज तो तू बच गई, लेकिन अगर कल तू गवाही देने के लिए घर से बाहर निकली ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोगों से बुरा ना कोई है भी नहीं। ओए लड़की, ज्यादा उछल मत, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, तेरे पति को हम तेरी आंखों के आगे तड़पा तड़पा के मारेंगे, और उसके बाद हम तुझे भी मार देंगे। अगर तुमने मेरे पति को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई प्लीज, किसी को कुछ मत करना, प्रीत गवाही नहीं देगी। तू समझदार लगता है, समझा अपनी बीवी को कि गवाही ना दे, वरना तुम दोनों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तुम पागल हो गए रुस्तम, तुमने मना क्यों किया कि मैं गवाही नहीं दूंगी? प्रीत, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। उन बातों का क्या जो तुमने मुझसे कही थी कि ऐसे ठीक होगा शहर? अरे बाहर में जाए शहर, उनके सर पे खून सवार है, वो किसी को भी मार सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ तुम गवाही नहीं दोगी, बस। प्रीत, प्रीत, आखिरी बार सोच लो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारे होते हुए क्या हो सकता है? अरे घंटा कुछ नहीं हो सकता, आपके होते हुए शहर में इतने मर्डर हो गए, आप उनको रोक पाए? देखिए मिस्टर रुस्तम, हम कोई भगवान नहीं है जो हमें पहले से सब कुछ पता हो, लेकिन हाँ, अगर आज आपकी वाइफ इस केस में गवाही देती है तो आगे होने वाले क्राइम को हम जरूर रोक पाएंगे। चलो मैंने मान लिया आपकी सारी बात, लेकिन मेरी बीवी और मेरे पे जो हमले होंगे उनसे हमें कौन बचाएगा? देखिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पुलिस आपकी रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ रहेगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। अबे ओए, छोड़ दो उसे, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। देखो कोई चलाई करने की कोशिश मत करना, वरना इसका सर और मेरा ट्रिगर। ओए अंदर आ किसे? रुस्तम, रुस्तम! देख बेटे, अगर तेरी बीबी ने कोर्ट में गवाही दी ना, तो तू तो जाएगा ही जाएगा, पर तेरे बाद हम तेरी बीबी को भी नहीं छोड़ेंगे, समझ गया? पहले से मुझे कपड़ा था। भाई मुझे जाने दो, मैं अपनी बीबी को समझा दूंगा, वो कोर्ट में गवाही ना दे। जब समझाने आए थे तो तेरी बीबी हीरोइन बन के भाग रही थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, शायद वो अब समझ जाए। मैं उसे समझा दूंगा,
प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा अब तो कोर्ट भी पहुंच चुकी होगी और अब तुझे उसे समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तू किडनैप हो चुका है, अब उसकी गवाही अपने आप बदल जाएगी और अगर नहीं बदली तो वो नहीं देगी गवाही। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे से बहुत प्यार करती है। अच्छा चल देख लेते हैं। हाँ तो अभी की ताजा खबर, प्रीत जी की गवाही पे हुई माफिया गुंडे अजय को फांसी की सजा। सभी लोग प्रीत जी की सराहना कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता और ना ही तेरी बीबी को। प्लीज उसे कुछ मत करना, उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। प्रीत तुम? हाँ जी मैं। यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम्हें किडनैप किया है बेबी, और क्या। लेकिन क्यों? देखो इसकी सिंपली सिर्फ दो वजह है, पहली कि तुम नहीं चाहते थे कि मैं गवाही दूँ, और दूसरी कि मैंने सोचा कि गुंडे तुम्हें किडनैप करे या तुम पे अटैक करे, इससे पहले मैं तुम्हें खुद ही उठवा दूँ। और इस प्लान में ना मैंने ऑफिसर्स को पहले ही शामिल कर लिया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपकी जान बचाने के लिए तो आपकी जान ने आपको जान से मारने की धमकी दी। तुम सच में पागल हो। उससे पहले आपकी बीवी हूँ। बीवी हो तो ऐसी, अभी रस्सी तो खोल दो। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर, छोड़ना ना छोड़ना ओ ढोलना। कब तक छुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। सो हे गाइज, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय, लव यू ऑल। और वीडियो जल्दी जल्दी आएगी यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो जाओ सब्सक्राइब कर दो।